सेक्टर 21 के आउटसाइड में बाउंड्री वॉल जो है वो यहां बनाई जा रही थी, जहां पर मजदूर हादसे का शिकार हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, सुबह ये बड़ा हादसा हुआ है सेक्टर 21 का जलवायु विहार बताया जा रहा है, जहां पर चार मजदूरों की जान चली गई है, कई मलबे में दबे हुए हैं। रेस्क्यू अभियान लंबे वक्त से चलाया जा रहा है, जेसीबी की मशीन्स यहां पर मलबा हटाने के काम में जुटी हुई नजर आती है। बताया जा रहा है कि करीब 5 जेसीबी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। जो नाली बनाने का काम है देखिए वो यहाँ पर लगातार चल रहा था, और डीएम की ओर से भी बताया गया था ड्रेनेज रिपेयर का काम जो है उसका ठेका दिया गया था। मजदूर जो है वहां पर मौजूद थे, ईंट निकाल रहे थे, और उसी दौरान ये दीवार जो है वो ढह जाती है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। मजदूरों को देखिए जो जख्मी हुए थे, जिनको चोट आई थी उनको ले जाया गया था, कैलाश अस्पताल भी ले जाया गया, वहीं पर ये बताया गया था कि 2 मजदूरों की वहां पर जान चली गई सेक्टर 21 से। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। बाउंड्री वॉल जो थी देखिए उसके गिरने से यहाँ पर मजदूरों की जान चली गई है। ड्रेन मरम्मत के लिए खुदाई जो है वो वहाँ पर की जा रही थी। पुलिस वहाँ पर इस वक्त मौके पर मौजूद है, स्थानीय लोग हैं जो मदद कर रहे हैं रेस्क्यू। इसको नोएडा अथॉरिटी ने कार्य सौंपा हुआ था, और सुबह ये 9:55 के आसपास थाने को सूचना मिली कि वॉल जो है कोलैप्स कर गई है और उसके नीचे कुछ लोग दबे हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल ही पुलिस और एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की जो हमारी रेस्क्यू टीम्स हैं वो रश की, जो लोग दबे हुए थे उनको उसमें से निकाला गया। अनफॉर्चुनेटली उसमें से 4 लोगों की डेथ हुई है, बाकी 9 लोगों को सकुशल अस्पताल में पहुंचाया गया है फॉर बेटर ट्रीटमेंट एंड बेटर हॉस्पिटल मैनेजमेंट। नहीं अब इसमें कोई नहीं है, फिर भी एक बार अभी एनडीआरएफ की टीम और हमारी जो फायर ब्रिगेड्स की टीम है वो एक बार अभी लास्ट सर्च मिशन कर रहे हैं। लीगल एक्शन क्या इनिशिएट किया गया अभी पुलिस की तरफ से? इसमें एफआईआर करके कार्रवाई होगी, जो भी इसमें दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। लगभग ये 9 बजे की घटना की सूचना प्राप्त हुई है। सेक्टर 21 नोएडा में जलवायु विहार सोसाइटी है, जो एक पुरानी सोसाइटी है। सोसाइटी की अपनी बनाई हुई वॉल है, और जो शायद खराब हालत हो गई थी वो आज सडनली मॉर्निंग में कोलैप्स हुई है। जलवायु विहार सोसाइटी की रिक्वेस्ट पे ही जो सोसाइटी के बाहर का ड्रेन है उसका रिपेयर का काम चल रहा था। नोएडा अथॉरिटी के कॉन्ट्रैक्टर द्वारा टेंडर के माध्यम से काम कराया जा रहा था, तो जो लेबर मौके पे ड्रेन रिपेयर करा रही थी वो जब दीवार कोलैप्स हुई तो वो उसके ट्रैप में आ गई। लगभग 13 या 12 लोग थे मौके पे, उनमें से 4 की डेथ हो गई, बाकी सब रेस्क्यू कर लिए गए, 1 इंजर्ड है, बाकी सभी सेफ है। अभी कुछ नहीं, ऐसा कोई नहीं। कहाँ के सारे के सारे मजदूर थे ये अभी कुछ नहीं आएगा? बिल्कुल अभी कोई निशान, अभी तो सूचना मिलते ही हम लोग मौके पे आए हैं, इसमें जांच कराई जाएगी, और अगर पुलिस प्रशासन अथॉरिटी द्वारा संयुक्त रूप से जांच कराई जाएगी, अगर किसी की भी कोई लापरवाही सामने आती है जिस भी स्तर पे तो कार्रवाई की जाएगी। 21 में जलवायु विहार के बगल के नाली के रिपेयर के कार्यों को नोएडा अथॉरिटी द्वारा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, और कॉन्ट्रैक्टर के लेबरर द्वारा यहाँ काम कराई जा रही थी, और जो ये बाउंड्री वॉल है उस वक्त जो प्रथम दृष्टिया अभी तक जो लोगों ने सूचना दी है इसकी जांच भी कराई जाएगी विस्तृत रूप से। जो दीवार उस वक्त जो गिरा है वो वहाँ जब उस वक्त जो लेबरर थे वो जो नाली रिपेयर जो करने वाले लेबरर थे जिसके लिए नोएडा अथॉरिटी ने कॉन्ट्रैक्ट दी थी, तो वो ईंट जब निकाल रहे थे तो बगल के दीवार की ईंट उनके ऊपर गिरी और उससे ये हादसा हुई है। बाकी इसकी विस्तृत जांच कराई जाएगी और तथ्यों को पता कराई जाएगी। और अभी तक 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और 2 कैलाश हॉस्पिटल में डेथ होने की सूचना है। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और साथ ही साथ में कैलाश अस्पताल में वो 4 मजदूर जो हैं उनकी जान चली गई। बताया गया था कि 12 से 13 मजदूर यहां पर थे। ऋतु माहेश्वरी की ओर से ये जानकारी यहां पर दी जा रही थी, और 1 गंभीर रूप से अभी जख्मी है, बाकी मजदूर ठीक हैं ये भी बताया गया, लेकिन 4 मजदूरों की जान इस हादसे में चली गई है। जलवायु विहार के पास अथॉरिटी जो है मरम्मत का काम यहाँ पर करवा रही थी, और उसी दौरान ये बाउंड्री वॉल गिर जाती है, 4 मजदूरों की जान इसमें चली गई। अभी फिलहाल देखिए ये भी वरिष्ठ अधिकारी की ओर से बताया गया पुलिस के कि अभी फिलहाल जितने मजदूर वहां पर थे उनको बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी कोशिशें यहां पर ये की जा रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन बंद फिलहाल नहीं किया गया है, छानबीन लगातार जारी है।
अनुज हमारे साथ सीधा ग्राउंड जीरो से इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अनुज, तस्वीरें यहाँ पर दिखाएं, बताएं अभी क्या चल रहा है फिलहाल, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, तस्वीरों के जरिए हम दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जब ये दीवार जो है यहाँ पर रिपेयरिंग का काम चल रहा था, दरअसल नाली बनाने का यहाँ पर काम चल रहा था और नोएडा अथॉरिटी ने बाकायदा इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उसी समय अचानक जो है ये दीवार गिर जाती है, जिसकी वजह से जो मजदूर यहाँ पर काम करते हैं वो इसकी चपेट में आ जाते हैं। जाहिर तौर पर अभी तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं, जो यहाँ पर मलबा हटाने का जो काम है वो फिलहाल यहाँ पर किया जा रहा है, लगातार जेसीबी मशीन का सहारा लिया जा रहा है, साथ ही साथ जो तमाम यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं वो लगातार कवायद कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं यहाँ से मलबा हटाने की। फिलहाल जो सूचना मिली है उसके मुताबिक चार लोगों की मौत की खबर है, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक तौर पे पुष्टि जो है नहीं हो पाई है। नौ लोग जो हैं वो यहाँ पर घायल हैं और बताया ये जा रहा है कि ये बदायूं के रहने वाले हैं। तो फिलहाल जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है, एनडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पे मौजूद है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर कवायद जो है वो की जा रही है। जाहिर तौर पे जिस तरीके से हादसा हुआ, हालांकि ये सवाल जरूर है कि आखिरकार हादसे की वजह क्या थी, ये निश्चित तौर पर पता किया जाएगा, लेकिन प्राथमिकता यहाँ पर ये थी कि सबसे पहले मलबा जो था उसे हटाने की कवायद की जाए, ताकि जो मजदूर इसकी चपेट में आए हैं उन्हें फौरन यहां से निकाला जा सके। जाहिर तौर पर तस्वीरों के जरिए आप देख सकती हैं कि किस तरीके से यहां पर बाकायदा एनडीआरएफ की टीम जो है वो मौजूद है। चूंकि अगर इस पूरे इलाके की हम बात करें तो जलवायु विहार ये सोसाइटी है सेक्टर 21 की, इसमें यहां पर जो दीवार आप देख रहे हैं, ये दीवार जो है वो यहाँ पे थी, नाला बगल में नाला था जिसे रिपेयर करने का काम जो है वो चल रहा था, तभी अचानक दो ईंट हटाया जाता है जिसकी वजह से ये पूरी जो दीवार है वो गिर जाती है और इसी वजह से जो मजदूर होते हैं वो इसकी चपेट में आ जाते हैं। तो फिलहाल पुलिस की टीम जो है वो मौके पे मौजूद है, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पे मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पे मौजूद है, लगातार राहत बचाव कार्य जो है वो किया जा रहा है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से हादसा हुआ अपने आप में एक बड़ा सवाल है, लेकिन फिलहाल जो है वो इस वक्त जो है मलबा हटाने का काम जो है वो किया जा रहा है। हालांकि नौ मजदूर के घायल होने की खबर है, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है, जिनका इलाज जो है वो अस्पताल में किया जा रहा है, वही चार मजदूरों की मौत की खबर है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से हादसा हुआ, तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो सोसाइटी के जो आसपास के लोग जो हैं वो भी यहां पर खड़े हैं, वो भी यहां पर मौजूद है, लेकिन एनडीआरएफ की टीम जो है, पुलिस की टीम जो है, साथ ही साथ जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं वो लगातार यहाँ पर मलबे को हटाने का काम जो है वो कर रहे हैं। जेसीबी मशीन का भी सहारा लिया गया ताकि जल्द से जल्द मलबे को हटाया जा सके। तो फिलहाल जो है वो यहाँ पर लगातार मलबे को हटाने का काम चल रहा है, वहीं जो घायल मजदूर थे उन्हें अस्पताल ले जाया गया है जहाँ उनका इलाज किया जा रहा है। जी बिल्कुल अनुज, जो घायल मजदूर हैं उनका इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की ओर से कहा जा रहा था कि एहतियात के तौर पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे भी चलाया जा रहा है ताकि अगर कोई और फंसा हो तो वो बाहर निकाला जा सके उस मजदूर को, नहीं तो उनका ये कहना था कि जितनी संख्या में वहां पर मजदूर थे उन सभी को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। जी बिल्कुल, जहां तक बात किया जाए कि जो पुलिस अधिकारी थे, जो यहां पर अधिकारी थे, उनका ये साफ तौर पर ये कहना था कि जो मजदूर थे उनमें से जितने मजदूर थे उनको हटा लिया गया। हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं, ये कितने बजे की आसपास की घटना है और कैसे क्या हुआ था, जरा थोड़ा बताइए। सर अभी तो मैं थोड़ी देर पहले ही आया हूँ, जब पता चला कि नाले गिर गया है तो फिर उसके बाद मैं आया हूँ, तो ये जीपीसी भी आके बंदे को निकाला, लेकिन मैं भी अभी 10-15 मिनट पहले ही आया हूँ। जो बंदा यहाँ पहले से मौजूद था उनको पता होगा। आप सर, मैं भी अभी आया हूँ, लेकिन हमें सुनने में आया कि चार लोग जो दब के